कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी ब्लॉग पे स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटू को मेरा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं शाम के 5 बजे से कर रही हूँ। शाम के 5 बजे इवनिंग व्यू देख सकते हैं हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ तो धूप चली गई है, हल्की हल्की चोटियों पर रही है। वो सामने चोटी मुक्तेश्वर शीतला के पहाड़ों पर। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज के ब्लॉग किस मकसद से बनाया है। हेलो फ्रेंड, आज की कहानी है इंटरनेट पे, यानी कि नेट। तो शायद बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे थे दी का रिजल्ट आया था। तो पहले से शायद रिजल्ट नेट पे आता था, लेकिन अखबार पे भी आता था। तो यहाँ से हम रिजल्ट दी, मैं और दी गए थे रिजल्ट देखने। तो अखबार मतलब यहाँ से मार्केट थोड़ा दूर है, 1.5 किलोमीटर के पैदल रास्ते, 1.5 किलोमीटर, और अगर गाड़ी से जाए तो वो करीबन 7 किलोमीटर। तो हम पैदल रास्ते गए थे, तो मैं और दी गए थे रिजल्ट देने। उसका रिजल्ट अखबार में आने वाला था, क्योंकि तब इंटरनेट का इतना क्रेज़ भी नहीं था, लोगों के पास फ़ोन भी नहीं था। दी गए थे तो दी ने, हम मार्केट पहुँचे तो दी ने रिजल्ट देखा तो पास हुई थी। तो ठीक है, वो बहुत खुश हुई। घर आए हम, ताऊजी लोग भी बहुत खुश हुए। तब दी का रिजल्ट अखबार में आया था, लेकिन धीरे 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 जब भाई का रिजल्ट आया तो शायद वो नेट पर ही देखा था, किसी ने फ़ोन पर देखा था। तो जब भाई 10th पास हुआ तो उसने कहा था मेरे लिए फ़ोन लोगे पापा से, तो उसके लिए ला लो। ये देखो लालू को कैसा कर रहा है, काटने को आ रहा है। लालू मारूंगी यहाँ, चल सेकंड मार दे तूने मेरी। स्टोरी बताते बताते बीच में ताई आ गई है, देखो कैसा मुंह बना रही, कैसे छुआ छुआ के जा रही। ये वही गपशप वाली ताई है, देखिए 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 इसको कैसे जा रही है। तो फिर भाई के लिए फ़ोन आया। पहले तो मैं बहुत खुश थी कि उसके लिए फ़ोन आया। पापा ने बोला तेरे लिए क्या लाना है, उसके लिए फ़ोन आया। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो जब घर फ़ोन आया, तो जब पहले से फ़ोन में अगर एक किसी के भी फ़ोन में गाने बजते थे तो बहुत ऐसा लगता था बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो कीपैड नहीं था, उसमें गाने बजते, खैर कैमरा भी था, फ़ोटो भी आती थी। तो घर आके मैं गुस्सा होगी कि इसके लिए फ़ोन आया, मेरे लिए कुछ नहीं आया। फिर पापा ने मुझे अपना पुराना वाला फ़ोन दिया मन शांत करने के लिए। तब उस पर एक टून बजती थी, वो फ़ोन की पैटी था, एक ही टून बजती थी, मतलब गाने वाने कुछ नहीं आते थे। वो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से वाली टून थी उस पर। हमारे भी रिजल्ट आया, हम भी हाई स्कूल में पहुँचे, हमारा रिजल्ट भी किसी ने फ़ोन में ही देखा। तो धीरे धीरे घर में भी एंड्रॉयड फ़ोन आने लग गया, तो लोगों ने रिजल्ट अपने घर में ही अपने आप ही देखने। मैंने भी 12th और BA फर्स्ट ईयर से MA फर्स्ट ईयर के सारे रिजल्ट अपने घर पर ही देखे। एंड्रॉयड फ़ोन है, हर किसी के पास टच फ़ोन है, लेकिन पहले से हर घर में फ़ोन भी बहुत कम होते थे, की पैड ही होते थे, नोकिया 1100 ये। और पहले से बहुत पहले लैंडलाइन थी, मैं बहुत छोटी थी तो मैं 1-2 में पढ़ती थी तब। शायद गांव में 1-2 लोगों के पास ही फ़ोन था, रेड लाइन थी, तो लोग वहीं जाते थे बात करने। पहले का ही ज़माना सही था, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग फ़ोन के साथ ही बिजी है। पहले लोगों के पास 1100 फ़ोन तो 1100 ये फ़ोन होते थे, तो लोग ज़्यादा फ़ोन के साथ बिजी नहीं रहते थे। लोग घर में घर वालों से बातें करते थे, दादी अम्मा या फिर अम्मा लोगों से, सब लोगों से पुरानी पुरानी स्टोरी सुनते थे। लेकिन आज का ज़माना सब लोग फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे, कभी वीडियो तो कभी कैमरा, कभी कुछ कभी गाने। तो वो पहला फ़ोन भाई का बहुत वो था कि सॉन्ग भी आते थे। तब मैं बहुत गुस्सा हुई थी घर वालों से कि मेरे लिए भी फ़ोन लाओ, मेरे लिए भी फ़ोन लाओ। जैसे जो रिजल्ट आते थे अखबारों में, देखने का मज़ा ही कुछ और था। आज भी अखबार में आते तो सब लोग पहले ही फ़ोन में देख चुके हैं, तो वो रिजल्ट अखबार में देखने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो पहले से जब अखबार रिजल्ट आता था, लोग पहले इतने डरे हुए रहते थे ना, डरते डरते मार्केट जाते थे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल एक नई स्टोरी के साथ आऊँगी आपको, एक पुरानी स्टोरी बताऊँगी आपको, जब मैं बचपन की 3 में या 2 में पढ़ती थी। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।